बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज दी वीडियो च तुहाडा भरा छोटा जिहा व्लॉग लैके तुहाडी खिदमत च हाजिर होया जी। ते व्लॉग्स साढ़े बहुत सारे जिहड़े ज़्यादा ने इस टाइम एग्रीकल्चर दे बारे ने कि असी किस तरह अपनी जिहड़ी कपास हैगी है उहनूं जदीद तरीके काश दे नाल पैदावार बहुत ज़्यादा लै सकते हैं। इन्दे बारे बहुत ज़्यादा साढ़े व्लॉग्स ने इनफॉर्मेशन्स ने कह भी सकने हैं। ते वो दोस्त भरा जिहड़े साढ़े चैनल ते नवे ने उन्हां अगे गुजारिश साढ़े चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर दिओ ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँचता रहे। दोस्तों वीडियो पूरी देखिया जे, दरम्यान दे विच स्किप ना करिया जे। तो इस वीडियो दे विच असी तुहानूं बहुत सारियां गल्लां भी दसांगे कि असी अपनी जिहड़ी हैगी कपास उहदा जदीद तरीका काश्त किस तरह कर रहे हैं, तो किस तरह असी सुबह पंजाब ज़िला बहावल नगर के अंदर इहदी जिहड़ी पैदावार है 40 से 50 मन पर एकड़ च लै रहे हैं कम खर्चे दे विच। इहदे बारे असी तुहानूं इनफॉर्मेशन देंगे जी, तो वीडियो के नाल जुड़े रहा जी। तो असी हुण काश्त गल करते हैं, सब तो पहले तो आप वहाई की गल कर लें कि जिहड़ी वहाई हैगी वो आप आम रूटीन के नाल अच्छी तरह जमीन तैयार करके हल वगैरह चीजल जेडे पांज ने पांज लत्तां वाले बहुत ज़्यादा मोटाई दे विच हुंदे ने, पांज लत्तां वाले चीजल अपनी जमीन दे विच साल दे विच एक दफ़ा जरूर फेरिया करो, क्योंकि उन्दे नाल केड़ा जमीन दा नीचे हालां दे तकरीबन एक फुट तो नीचे ना एक तह बन जाती है। अगर आप चीजल फेरांगे तकरीबन तीन चार फुट गहराई च हाल जाएंगे, उन्दे नाल केड़ी जमीन दी नीचे तह है उन्दे मसाम जमीन दे खुल जाएंगे, उस तो बाद अगर अपनी केड़ी भी फसल बीजांगे उन्दी ग्रोथ ज़्यादा होएगी, तो वो आप लाजमी फेरने ने। तो हुण आप आ जाने उस तो बाद आप काश्त किस तरह करनी कपास दी। अगर ते अपने कोल पानी बहुत ज़्यादा ने फिर तो केड़ा हैगा प्लांटर की काश्त कपास करिए, इन्नी बेहद जरूरी कपास करिए प्लांटर से ही काश्त करो। तो अगर आप बीज की गल करिए, सब तो मेन मसला है बीज का, केड़ी बीज की आला तो आला वरायटी अगर तुहानू उन्दे वास्ते बहुत ज़्यादा सफ़र करना पैंदा, 100 किलोमीटर भी करना पैंदा तो कर लो, कोई हर्ज नहीं है। बीज केड़ा है कपास का, वो अच्छी वरायटी लैके आओ, बेशक तुहानू 10,000 दी किलो मिले वो लाजमी लैके आओ, तो क्योंकि बीज अगर अच्छा मिल जाता तो पैदावार भी तुहाडी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। उस तो बाद तुसी लिया के मुख्तलिफ फील्ड अपने प्लांट लगाओ, अगर नवे साल आउंदे अपने बीज केड़े वो बना लो। हर साल अगर तुसी 10 एकड़ कपास काश्त करदे हो, 5 एकड़ तुसी आम कपास काश्त करो, तो केड़े अगले 5 एकड़ ने उन्दे विच लिया के मुख्तलिफ लाइना लगाओ बीज दी, वो बीज बना बना के तुसी फरोख्त भी कर सकते, आ भी बीजो। हुण असी वरायटी बीजी FH 333 10,000 दी थैली मिली है जी। इन्दे बारे जदों बीज असी लैन गया सी उदों असी बड़े परेशान सीगे कि यार 10,000 दी थैली एडा महंगा बीज, लेकिन जदों असी उहने बीज लिया तो जदों हुण केड़ा बूटा एक पौधे नूं असी इस तरह करदे आ ना चैक करदे आ तो असी इन्ने खुश होंदे आ कि यार कमाल दी वरायटी, यार कमाल दी वरायटी। तो इस तरह ही है कि 10,000 रुपया लगाया सीगा उदों सानूं बड़ा दुखदा सी कि यार 10,000 रुपए की थैली, 10,000 की थैली, लेकिन जदों हुण असी इहनूं चैक करदे आ असी कहने कि यार सारे दोस्त FH 333 दूसरियां तीसरियां कड़ियां चंगियां वरायटियां ने ये काश्त करो, क्योंकि एक इहदी कड़ी काश्त ये मुनाफा बख्शे माशाल्लाह, चैक करो। तो तुसी दोस्त भी 10,000 वाली थैली की भावें 20,000 वाली थैली हो, अच्छी तो अच्छी कड़ी कपास है और
ਕਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਜਦੀਦ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਕਾਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੌਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ, 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ 20 ਮਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। 20 ਮਣ ਦੀ ਔਸਤ 4 ਫੁੱਟ, ਯਾਨੀ 4 ਫੁੱਟ ਪੌਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੱਦ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਮਣ, 4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 20 ਮਣ, ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 20 ਮਣ ਦੀ ਔਸਤ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ 3 ਮੰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ। 4 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਮਣ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹਾ, ਯਾਨੀ 35 ਤੋਂ 40 ਟੀਂਡੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੀਦ ਵਰਾਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਛੀ ਵਰਾਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੀਜ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਨਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਾਇਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਚੁਣਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਵਰਾਇਟੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਕੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੂਟਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚਾਹੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।